पीएम मोदी ने गुजरात के सोमनाथ में नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े पीएम, 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है सर्किट हाउस। मणिपुर स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मणिपुर में बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास, डबल इंजन की सरकार का। हर मणिपुरवासी कहता है कि डबल इंजन की सरकार का कमाल है। मणिपुर की कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है। अमर जवान ज्योति के विलय को लेकर विवाद बढ़ा, राहुल गांधी ने ट्वीट कर विरोध जताया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इसे राष्ट्रीय त्रासदी बता रहे हैं। अमर जवान ज्योति पर बीजेपी नेता हरनाथ यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा जब चीन की सेना बॉर्डर पर खड़ी थी तो राहुल चीनी राजदूत के साथ खड़े हुए थे। राहुल गांधी अपना अंदर झांक करके देखें, जो चीन जो है, चीन से भारत की सेना आमने सामने खड़ी थी, चीन के राजदूतों के साथ जो है क्या कर रहे थे। दिल्ली में आज से इंडिया गेट पर नहीं जलेगी अमर जवान ज्योति, नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में विलय। पंजाब में कांग्रेस करेगी सीएम चेहरे का ऐलान, पंजाब विधानसभा चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी हो सकते हैं कांग्रेस का सीएम चेहरा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में जल्द बदलेगा बीजेपी प्रचार का नारा, नया नारा होगा सोच ईमानदार काम असरदार। दोपहर लखनऊ में बीजेपी लॉन्च करेगी नया नारा। गृहमंत्री अमित शाह का कल मथुरा से यूपी में चुनाव अभियान की शुरुआत, 23 जनवरी को मेरठ में पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। अखिलेश यादव की सीट पर सस्पेंस खत्म, मैनपुरी जिले की करहल सीट से लड़ेंगे चुनाव, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश यादव। गोरखपुर से सीएम योगी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी शुभावती को उम्मीदवार बना सकती है समाजवादी पार्टी। बीजेपी के मौजूदा विधायक राधामोहन अग्रवाल के भी संपर्क में है समाजवादी पार्टी। कांग्रेस से समाजवादी पार्टी में आए इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में ही बने रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद नाराजगी दूर हो गई है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अपर्णा यादव और मुलायम सिंह यादव की तस्वीर सामने आई है, ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेती नजर आईं अपर्णा यादव। मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल, बोले मुलायम को अखिलेश यादव ने कैद में रखा, बाहर नहीं आने दे रहे। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मुजफ्फरनगर सदर से मेहरजहां को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट तो फूट फूट कर रो दी, कहा पैसे वालों को टिकट दिया जा रहा है, वीडियो सोशल मीडिया। मुझे आश्वासन दिया गया कि आप तैयारी रख दो, लेकिन मेरे साथ इतना बड़ा घोर अन्याय हुआ है। तैयारी रखो मैम, तैयारी रखो, मुझे तो मिलेगा। मेरठ की सरधना से विधायक संगीत सोम का अखिलेश पर निशाना, कहा मुलायम ने अजीत सिंह को खत्म किया, अखिलेश जयंत चौधरी को खत्म कर रहे हैं, ओवैसी को नहीं पता कि ये हैदराबाद नहीं यूपी है। मुलायम सिंह यादव जी ने अजीत सिंह को खत्म किया था और आज अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया उनके बेटे को। ओवैसी कहाँ है इस पूरे समीकरण में? देखिए ये हैदराबाद नहीं है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। अगर हैदराबाद की गलती यहाँ करनी शुरू कर दी तो बहुत तगड़ा जवाब मिलेगा। बीजेपी ने उत्तराखंड के लिए पहली लिस्ट में 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, 10 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से ही होंगे प्रत्याशी। पुष्कर सिंह धामी जी वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घर ईडी की छापेमारी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, चन्नी को बदनाम करने का आरोप लगाया। पंजाब के अंदर
सरदार चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री पंजाब के खिलाफ एक घटिया सस्ता और बेबुनियाद षड्यंत्र करने में लगे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने गोवा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दिवंगत पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को टिकट नहीं, लेकिन बीजेपी का दावा पर्रिकर के बेटे उत्पल को मना लेंगे। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर से बातचीत हो रही है, चुनाव लड़ने के लिए 2 सीटों की पेशकश की गई है। गोवा विधानसभा चुनाव में शिवसेना 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी, एनसीपी के साथ गठबंधन हो गया है। शिवसेना के संजय राउत बोले, पर्रिकर के बेटे अगर निर्दलीय ले लेंगे तो हम उनको समर्थन देंगे। पर्रिकर जी के बारे में हमारे मन में भावना है कि उनका बेटा अगर चुनाव लड़ना चाहता है बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो जरूर हम उनको मदद करें। कांग्रेस ने गोवा में 5 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। पणजी सीट से एल्विस गोम्स को टिकट दे दिया गया है। पिछले चुनाव में आपके सीएम उम्मीदवार थे एल्विस गोम्स। देश में करीब 8 महीने बाद एक बार फिर कोरोना की बेकाबू रफ्तार। एक दिन में 3,47,000 के पार कोरोना के केस। ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 9,692। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात में सबसे ज्यादा मरीज हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के लिए कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनने की जरूरत नहीं, 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को मास्क पहनना जरूरी। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान, दिल्ली में गुजर गई है कोरोना की पीक। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। केंद्र सरकार का दावा, कहा तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले मौत कम हुई, कोरोना वैक्सीन का दिख रहा है असर। जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। दिल्ली से हटेगा वीकेंड कर्फ्यू, दुकानों के लिए लागू ऑड इवन नियम भी खत्म होगा। घटते केस को देखकर केजरीवाल सरकार का फैसला। दिल्ली में कोरोना के केस में कमी लेकिन थम नहीं रही मौत की रफ्तार। एक दिन में कोरोना से 43 लोगों की जान गई, 12,306 नए केस सामने आए। सरकार ने कोविड टेस्ट की कीमत घटा दी। देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 160 करोड़ डोज लगाई गई, यानी आधी आबादी का हो चुका है टीकाकरण। इनमें से 66 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। कुछ और अहम खबरों का अपडेट जानिए फटाफट अंदाज। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन तक हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जमकर बरसी बर्फ, बद्रीनाथ धाम से बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। मंदिर परिसर में कई फीट मोटी बर्फ जमी। यूपी के आगरा में डांसर सपना चौधरी के कार्यक्रम में कोरोना नियमों की अनदेखी, सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग, पूरी रात चला प्रोग्राम। बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह के यहां उड़ी आचार संहिता के नियमों की धज्जियां, फार्म हाउस पर उमड़ी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस का नहीं हुआ पालन। उत्तराखंड के हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के स्वागत में उमड़ी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। तो यूपी के फिरोजाबाद में एसपी उम्मीदवार सर्वेश यादव के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन पर मामला दर्ज। गुजरात में यातायात को लेकर लापरवाही मामले में 3 पुलिसकर्मी निलंबित, सफर के दौरान पुलिसकर्मी संगीत पर झूमते नजर आए थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज यूपी दौरा, आगरा में राउली महादेव मंदिर में पूजा और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शाम को बरेली में डोर टू डोर कैंपेन का भी हिस्सा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के चुनाव प्रचार रथों को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी के रथ सभी 403 विधानसभाओं में प्रचार करेंगे।
यूपी के कैराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन आज नामांकन दाखिल कर सकती है। गैंगस्टर एक्ट मामले में जेल में बंद है नाहिद हसन। यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होगी। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन। उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भी अधिसूचना आज जारी होगी। उत्तराखंड की 70 सीटों और गोवा की 40 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 4 बजे बैठक। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। किसान नेता राकेश टिकैत आज 3 दिन के दौरे पर लखीमपुर खीरी जाएंगे। लखीमपुर हिंसा को लेकर जेल में बंद किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान आंदोलन को खालिस्तान से जोड़ने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। डब्ल्यूएचओ के महत्वपूर्ण सदस्यों की आज वर्चुअल बैठक। कोरोना महामारी में सुधार उपायों को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली के लाजपत नगर में रघुनाथ मंदिर में 12 ताले तोड़कर 11 मुकुटों की चोरी देर रात हुई। मंदिर में शाम की पूजा के बाद कोई पुजारी नहीं था। राजस्थान के भीलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने को लेकर उपसरपंच ने दिव्यांग महिला के साथ मारपीट की। महिला का आरोप, लोगों को पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ केस दर्ज। उपसरपंच और दोनों ने आगे हमारे साथ हंगामा किया और किसी ने नहीं बचाया हमारे को। खाना तक नहीं खा रहे हम, भूखे बैठे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर परमबीर सिंह के आरोपों की जांच कर रहे चांदीवाल कमिश्नर की आज हो सकती है आखिरी सुनवाई। कमीशन अगले महीने उद्धव सरकार को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। मुंबई में कस्टम ने 3.25 करोड़ की हेरोइन जब्त की। 450 ग्राम हेरोइन पार्सल में छिपाकर रखी गई थी। 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में फर्जी डिग्री देने वाले गैंग का पर्दाफाश। यूनिवर्सिटीज की फर्जी डिग्री देकर करते थे धोखाधड़ी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलीबाई ऐप के बाद अब क्लब हाउस ऐप विवादों में आया। ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का आरोप। 24 घंटे के भीतर मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी को करनाल से गिरफ्तार किया। दिल्ली की गीता कॉलोनी में 3 साल की मासूम से रेप के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। थाने के बाहर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार किया। बिहार के सारण जिले में 5 लोगों की संदिग्ध मौत में एसएचओ और चौकीदार सस्पेंड। डीएम और एसपी का यूटर्न, कहा जहरीली शराब से हो सकती है मौत। पहले कोई था, ठंड से गई जान। पटना हाईकोर्ट की बिहार सरकार को फटकार। कहा क्यों न माने कि शराब के अवैध व्यापार में पुलिस की मिली भगत। सानिया मिर्जा अपने अमेरिकी जोड़ीदार राजीव राम के साथ ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के दूसरे दौर में पहुंची। सानिया राजीव की जोड़ी ने सर्बियन जोड़ी को सीधे सेट में 6-3, 7-6 से हराया। प्रो कबड्डी लीग में गुजरात की टीम ने तमिल थलाइवास को 37-35 से हरा। एक दूसरे मुकाबले में बंगाल वॉरियर्स ने बेंगलुरु बुल्स को 40-39 से मार दी। अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक की तलाश में जुटी भारतीय सेना। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा हमें कोई जानकारी नहीं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।